हेलो बच्चों, आज हम इस कालखंड में विद्युत रसायन चैप्टर में विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता एवं मोलर चालकता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पिछले कालखंड में हम परिभाषिक शब्दावली से परिचित हो रहे हैं, इसी क्रम में कुछ और नए परिभाषिक शब्द हमारे सामने में हैं। विशिष्ट चालकता, पिछले में हम पढ़े थे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, उसी के क्रम में है विशिष्ट चालकता। अंग्रेजी में फिर ठीक उसी प्रकार से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है पहले समझे। चालकता के बारे में हम समझ चुके हैं, इसको हम वैद्युत चालकता से पढ़े थे। मैं तो रिमाइंड कर दूं, वैद्युत चालकता क्या पढ़े थे, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से विशिष्ट प्रतिरोध, वहां पर जो प्रतिरोध सामने में शब्द है उसके सामने में जोड़ दें विशिष्ट शब्द को, तो क्या शब्द बनेगा यहां से, विशिष्ट प्रतिरोध। यहां पर शब्द में लिख रहा हूं इस प्रकार से, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कहां पर, इस प्रकार से एक बट्टा लिख रहा हूं, तो इसको पढ़ेंगे एक बट्टा का मतलब हो गया विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, इसको क्या कहते हैं हम यहां पर, विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता। बिल्कुल वही है जैसे हम चालकता पढ़े थे, यदि विशिष्ट को मैं मिटा दूं यहां पर तो फिर वही शब्द बन जाएगा, चालकता बराबर एक बटा प्रतिरोध बन जाएगा, उसके सामने हम जोड़ दें विशिष्ट शब्द को, तो विशिष्ट चालकता क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, सॉरी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, लिख लेंगे वाक्य शब्दों में, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध जिसको हम संकेत में क्या लिखते हैं, रो लिखते हैं, के व्युत्क्रम, अंग्रेजी में बोलते हैं रेसिप्रोकल, तो विद्युत अपघट्य बिलियन, मैं संक्षिप्त में लिख रहा हूं, केवल बिलियन शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ये सामने में यहां पर विद्युत अपघट्य बिलियन, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस विद्युत अपघट्य बिलियन की विशिष्ट चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। और इसका संकेत होता है कप्पा, देखिए इस प्रकार से ऐसा जैसे के जैसा रहता है, हम इसको जैसे के होता है ठीक उसी प्रकार लगभग लगभग वैसा दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर के में हम जो शुरुआत लाइन बनाते हैं बड़ा होता है, यहाँ पर हल्का सा छोटा होता है, एक इसको हम पढ़ते हैं कप्पा, के ए डबल पी ए, अंग्रेजी इस प्रकार से लिखा हुआ कहीं पर के डबल पी ए, जो कप्पा पढ़ते हैं संकेत के रूप में इस प्रकार से के जैसे दिखाई देता है वो देखने में। परिभाषा पूर्ण समझ लें, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। मैं अलग से सब लोग यहाँ पर जोड़ा था विशिष्ट, सॉरी विद्युत अपघट्य बिलियन, उसको यदि आप नहीं भी लिखेंगे तो क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसको हम संकेत के द्वारा के जैसे संकेत होता है दर्शाते हैं, इसको हम पढ़ते क्या है कप्पा पढ़ते हैं, तो इसको अब गणितीय रूप में थोड़ा लिखें, विशिष्ट चालकता के लिए इस प्रकार से लिखिए, इस प्रकार से के जैसे बना लीजिए, इसको थोड़ा सा छोटा करना है इस लाइन को, इनको बराबर क्या हो गया ये एक बट्टा, विशिष्ट प्रतिरोध के लिए क्या संकेत होता है रो। अब इसी को आगे और हल करें, ये मूल सूत्र हो गया, अब आगे इसको और हल करते जाएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इधर से कप्पा बराबर रो को लिखिए, एक बट्टा है पहले से, एक बट्टा है रो का, हम अभी पिछले कालखंड में पढ़े थे रो बराबर क्या होता है पहले देख लीजिए, क्या होता है आर ए बटा एल, एक बार पुनः रिमाइंड कर लीजिए, रो बराबर क्या होता है आर कैपिटल ए बटा एल, ये सूत्र होता है। अब इसी को यहाँ पर हम इस रो के जगह में लिख रहे हैं, ये हर में है एक अंश में है और हर में रो है, तो आप भी एक को अंश में लिखिए भागित करके हर में लिखिए उस रो के जगह में आर ए बटा एल, इसको और हल कीजिए, आगे मैं आगे लिख रहा हूँ इस प्रकार से कप्पा बराबर, देखो एक आप पहले से ऊपर में यहाँ पर, नीचे में यहाँ पर क्या बचा बता, यहाँ पर नीचे में हर में
आर और ए है और ये फिर भागित है, ए का भागित है, तो हर का हर होता है, तो जब हल करते हैं तो क्या होता है, वो अंश में आता है। तो इस प्रकार से एल अंश में आ जाएगा, ये कुछ नहीं माने क्या हो गया बताओ, यहाँ पर गुणित हो गया, ए गुणित एल। इसको और समझे इसमें इस प्रकार से, तो ए गुणित एल बराबर क्या हो गया, एल नीचे में यहाँ पर है ए और यहाँ पर एक बटा, इसको और अलग अलग कर देंगे हम इस प्रकार से, तो ऐसा बना सकते हैं एक बटा आर है और एल बटा ए है, या एक साथ लिखेंगे तो एल बटा आर ए भी आप लिख सकते हैं। मैं दोनों तरीके से लिख दे रहा हूँ इसमें, या करके लिख दे रहा हूँ एल बटा आर ए। ये समझ आ गया होगा, एक बार पूरा समझ लीजिए, एल एक बटा आर है और गुणित है एल बटा ए, इसको एक साथ लिखो तो एल गुणित एक बराबर एल, नीचे में हर में क्या है आर और ए का गुणन, गुणनफल करेंगे तो हमको मिलेगा आर ए। चलिए तो यहाँ पर थोड़ा सा और समझिए इसमें, ये देखो अब अलग सूत्र बन गया, यहाँ पर कप्पा बराबर नया सूत्र बन गया एक बटा आर और ऊपर में इसमें सारी गुणित एल बटा ए। इसको बिल्कुल आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिए, ताकि हमको आर जैसे रो का मान हम नहीं जानेंगे, मान लो कन्फ्यूजन हो गया तो फिर उत्तर इधर उधर हो सकता है हम जो लिख रहे हैं, इसीलिए आप सिस्टमेटिक समझेंगे। इसलिए मैं आपको शुरुआत में बता दिया हूँ इसमें कि हम सिस्टमेटिक आगे एक के आगे से क्रम से जुड़ा हुआ है, हम एक को जानेंगे, एक से गलती हो जाएगी ऊपर में तो नीचे वाला भी गलती होने की संभावना हो सकती है लिखने में। चलिए यहाँ तक आगे चले हैं, इसकी इकाई लिख ले होगे, कप्पा बराबर एक बटा आर एल बटा ए, या करके भी लिख सकते हैं एल बटा स्मॉल एल है आर बटा ये सारे आर ए नीचे में है आगे से। अब इसका देखें हम इसको इकाई लिख लीजिए, आगे यहाँ पर लिखेंगे आप लोग इकाई, हम पढ़ रहे हैं विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता इकाई क्या होगा, देखो इसी सूत्र से बनने वाला है, कप्पा बराबर केवल इकाई को मैं पुनः एक बार सूत्र लिख रहा हूँ एक बटा आर गुणित एल बटा ए, ये गुणित है, चाहो तो आप इसको इस प्रकार से ऐसे गुणित भी बना सकते हैं, एक ही मतलब है, हल करें रो का मतलब इकाई को भी लिखते जाइए साथ साथ, मैं सीधा यहाँ पर भागित कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि एक का तो कोई मतलब नहीं ऊपर में, अलग से केवल संख्या है, हमको इकाई लिखना है। आर क्या है यहाँ पर ओम, देखो साथ साथ लिखेंगे भागित में हर में आप भी लिखे, देखो यहाँ पर अंश में क्या है एल, एल माने क्या हो गया लंबाई, क्या लंबाई चालक तार की लंबाई, तो हम यहाँ पर चालक तार की लंबाई न प्रयोग करते हम क्या बोल रहे हैं, जो दो तो इलेक्ट्रोड है हमारे जो सेल है जो बनाते हैं सेल में जो दो इलेक्ट्रोड है उनकी बीच की क्या है ये दूरी है, और दूरी के हम किसका प्रयोग करते हैं यहाँ पर फिलहाल छोटे पद्धति में हम सेंटीमीटर का, ठीक है, ऐसे दूरी के कई पैमाने होते हैं माने इकाई होती है, मीटर भी लिख सकते हैं एम के एस सॉरी एस आई पद्धति में या एम के एस पद्धति में, ऐसे मैं एस आई पद्धति की चर्चा कर रहा हूँ, एस आई पद्धति में मीटर लिखते हैं, लेकिन हमारे पास उतना बड़ा सेल नहीं होता कि हम उसको मीटर में व्यक्त करें, इसलिए हम सामान्यतः मीटर में लिख सकते हैं यदि चाहे तो, लेकिन हम उसको चूंकि सामान्य प्रयोग में हम लाते हैं इसलिए हम इसको सेंटीमीटर में प्रयोग करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर अभी फिलहाल सेंटीमीटर में लिख रहे हैं, सेंटीमीटर क्या हो गया सीएम संक्षिप्त में। नीचे में देखिए ये गुणित हो गया, यहाँ पर गुणित लिख रहा हूँ आर गुणित है नीचे में हर में, ए का बताओ ए माने अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल है तो क्या होगा जल्दी बताओ, इसको भी सेंटीमीटर में ले रहे हैं, किसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो, ये जो इलेक्ट्रोड है जिसके बारे में बताया था आपको मैं समझाने की इस प्रकार से, ये वाला ये यहाँ पर जो देख रहे हैं जितना बड़ा भाग चौड़ा दिखाई है यही है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक सामान्य शब्द में, तो ऐसे हम जितना बड़ा इलेक्ट्रोड वहाँ पर डुबाए हैं वही उसका क्या है अनुप्रस्थ काट का उसके नीचे वाला का जो भाग है उसका क्षेत्रफल है, तो उसको हम क्षेत्रफल के किसका प्रयोग कर रहे हैं वर्ग का प्रयोग करते हैं। आगे हल करें इसको समझने के लिए, तो एक साथ यदि लिखते हैं तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सेंटीमीटर का घात एक है और सेंटीमीटर का घात दो, मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूँ, जैसे पूर्व में यहाँ पर पूर्व कालखंड में हम अभी जो चर्चा किए थे विशिष्ट प्रतिरोध वहाँ पर बता चुका हूँ मैं, सेंटीमीटर ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक सेंटीमीटर घात एक है अभी ऊपर जाएगा तो हर में अंश में जाएगा तो सेंटीमीटर घात दो है अभी धन दो, क्या हो जाएगा वो ऋण दो, यहाँ पर क्या बच जाएगा ओम। चलिए आगे इसको और हल करें, ओम का घात कुछ नहीं माने यहाँ पर कितना है बताओ एक है, मैं समझने के लिखा हूँ आपको यहाँ पर अलग से लिखने की जरूरत नहीं है ताकि कन्फ्यूज मत हो,
और जो समझ रहे हैं वो नहीं लिखे तो भी काम चलेगा, लेकिन जिसको समझ नहीं आ रहा होगा उस प्रकार से लिख सकते हैं। आगे इसको और हल करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं ओम के ऊपर लिख रहा हूँ तो ओम का घात ऋणेक हो जाएगा। अभी घात में एक में है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा ऋणेक, ऊपर माने अंश में हल कर रहे हैं। इधर क्या बचा, सेंटीमीटर का घात कुछ नहीं माने एक है वो, गुणित सेंटीमीटर का घात अभी ऋण दो पहले से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो बार पुनः समझ लें, ओम का घात अभी एक है नीचे में हर में, ऊपर लेंगे तो ऋणेक हो जाएगा, और ऊपर में पहले से लिखा हुआ है सेंटीमीटर उसी को मैं लिखा हूँ, घात एक है कुछ नहीं माने एक हमें समझ लें कि यहाँ पर लिख रहा हूँ, और ये सेंटीमीटर घात ऋण दो ये अभी हल कर चुके हैं इसको हम। अब इसको एक लाइन आखिरी में लिखें, इसको मैं ऊपर भी लिख रहा हूँ इस जगह पर, इससे डायरेक्ट मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको तीर चिन्ह लगा लिख दे रहा हूँ मैं, ताकि हमको यहाँ पर दिखाई दे अच्छे से। क्या लिखेंगे देखो, ओम का घात ऋण एक, सेंटीमीटर सेंटीमीटर आधार में है तो एक ही बार लिखेंगे सेंटीमीटर, घात का एक घात एक ऋण दो है एक का धन एक है, तो यहाँ पर ऋण दो और धन एक बराबर क्या होगा, यहाँ पर ऋण एक, ये होगी यहाँ पर इकाई। इसके अलावा हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अभी हम पहला प्रारंभिक स्थिति देखें, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इसी को शब्दों में और कहेंगे प्रति सेंटीमीटर, सॉरी प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर अध्ययन करते वक्त अभी पिछले कालखंड में समझे थे, ये जो रो की इकाई होती है क्या पढ़े थे हम, एक बार पुनः मैं यहाँ पर रिमाइंड करा रहा हूँ, इस प्रकार से अलग से रब कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, रब कार्य जैसा है अलग से, ये जो रो होता है हम लिखे थे ओम सेंटीमीटर, उसको उल्टा पलट दें हम, क्योंकि हम इसको उल्टा किए वही तो व्युत्क्रम है, उलटना माने या पलट देना, सामान्य शब्द बोलते हैं उलट देना, उल्टा कर दें हम, अभी जो ओम सेंटीमीटर था उसको उल्टा कर दें, अभी अंश में है कुछ नहीं माने ऐसा है, इसी को हम ऐसा एक बटा रो करें तो क्या होगा, ये जो नीचे में हर में वो अंश में आ जाएगा और अंश वाला कहाँ चला जाएगा हर में। देखो क्या बन रहा, ओम का घात अभी एक था एक क्या हो जाएगा बताओ, नहीं जो सेंटीमीटर घात एक है वो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर घात, देखिए यहाँ पर ही सामान्य है इसको हमको समझे रहना है, तो यही ठीक लिख सकते हैं हम। यदि हमको रो का मान इकाई मालूम है विशिष्ट प्रतिरोध का, हम सीधा उसका उलट दें पलट दें तो बन जाएगा ओम सेंटीमीटर था वो क्या बन जाएगा, एक ओम का घात ऋण एक और सेंटीमीटर घात ऋण एक, इसको हम कहेंगे प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर, ये होगी यहाँ पर। अब इसको अच्छे से समझ लें, कप्पा बराबर एक बटा आर एल बटा ए, और इकाई हो गया ओम का इनवर्स सेंटीमीटर का इनवर्स। और एक बार देख लीजिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा दूँ एक लाइन, ओम के घात ऋण एक को हम क्या लिखते हैं सीमेंस, या इसी को लिखते हैं एम एच ओ, देखो इसका मतलब है ओम का इनवर्स लिखो चाहे एम एच ओ लिखो, जिसको हम हिंदी में आधा महो लिखते हैं, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आगे क्या बताओ यहाँ पर सेंटीमीटर का इनवर्स, ये देखो एक ही मतलब है, ऐसा ओम प्रति सेंटीमीटर लिखे चाहे एम एच ओ प्रति सेंटीमीटर लिखे, इसी को और क्या लिखते हैं मैं थोड़ा सा और आगे थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, इसके अलावा इसी एम एच ओ को हम क्या लिखते हैं बताओ सीमेंस, उसके लिए क्या संज्ञा प्रयोग करते हैं एस, और पहले से इसमें क्या बताओ सेंटीमीटर का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर बोलता हूँ घात ऋण एक है, तो ये सभी एक ही मतलब है। हम अभी जो तीन टोई इकाई लिखे इसमें संकेत में भी लिख सकते हैं आप, कोई ऐसा लिख दे इसी को ओम करके ऐसा लिख दिया घात ऋण एक कर दिया और सेंटीमीटर घात ऋण एक, इसको भी वही पढ़ना है। चलिए अब आगे चले, इकाई को हम अच्छे तरह समझते जाए इसमें, हमको यदि मालूम भूल जा रहे हैं तो हम इसको पुनः इसको रिमाइंड कर लें, ऐसे फिर बन जाएगा हमारा, मुझे मालूम भूल जाएंगे तो। आगे हेडिंग डालिए, एक टॉपिक आएगा इसमें इसी संबंधित थोड़ा सा संबंधित है, जिसको हम कहते हैं इसमें सेल स्थिरांक, हेडिंग डालेंगे मिटा रहा हूं इसको,
हेडिंग आ गया सेल स्थिरांक। अंग्रेजी में इसको कहते हैं हम सेल कांस्टेंट। सेल स्थिरांक क्या है? एक शब्द है, सामान्य शब्द जानते हैं, स्थिरांक माने निश्चित अंक हो जाना। सामान्य जानकारी के लिए हम बार बार जानते हैं इसमें, स्थिर अंक एक निश्चित मान आएगा। किसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं शब्द यहां पर? सेल के लिए। क्या स्थिरांक आएगा देखिए इधर से। तो यहां पर एक चीज पहले समझ लें इसमें, एक हम सेल बना रहे हैं, द्विघटनी सेल है मान लीजिए, दो टू इलेक्ट्रोड हैं, ये इलेक्ट्रोड हैं हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ये दोनों के बीच की दूरी निश्चित कर लें कितना करते हैं, मान लीजिए यहां पर एल करते हैं, निश्चित है भाई। और ये यहां पर उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसके बारे में यहां पर बताया था मैं आपको, ठीक उसी प्रकार से ये मैं समझने के अलग से बना रहा हूं। ये देखिए इस प्रकार से, मान लीजिए इतना बड़ा ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये इसका, ये है आपका यहां से यहां जितना बड़ा, ये वाला समझने बताया था इस प्रकार से, जितना बड़ा उसके चौड़ाई आखिरी में है वही है इसमें, इसको क्या बोल रहे हैं हम, ए कह रहे हैं। मैं उसको अलग से समझा रहा हूं इस प्रकार से, या उसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं, मैं और थोड़ा इसको बड़े रूप में लिख रहा हूं, दो टू इलेक्ट्रोड है, सेम ऐसे इलेक्ट्रोड के बारे में बता रहे हैं हम, इनके बीच की दूरी कितना है मान लीजिए एल, निश्चित है, निश्चित माने एक निश्चित दूरी पर है वो, जैसे मान लो एक सेंटीमीटर में है कि दो सेंटीमीटर के बीच में स्थित है कि तीन सेंटीमीटर में कि दस सेंटीमीटर, स्थित होगा इसके बारे में चर्चा हो रहा है। और ये इसके अनुप्रस्थ काट ये भी कोई बदल नहीं रहा है, हम जितना बनाए थे पहले माने सेल में उतना ही अभी गया है, इसको हम समझें तभी हमको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अब इसी को हम क्या बोलते हैं, आगे देखिए इधर से एल और ए, सेल के लिए हो रहा शब्द, सेल के दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी एल और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इनका जो अनुपात है, देखो क्रम से पर समझ लें, हम ऊपर को नीचे कर देंगे ए बटा एल करेंगे तो नहीं कहलाएगा, एल बटा एल माने क्या हो गया, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, दो इलेक्ट्रोड है एक नहीं बल्कि दो, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। और एक क्या चीज है यहां पर शब्द में लिखेंगे तो इलेक्ट्रोड के मैं संक्षिप्त में लिखा केवल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये भी इलेक्ट्रोड का है भाई, इसमें इलेक्ट्रोड का, इसको अलग से लिख रहा हूं, इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इनका जो अनुपात है, अनुपात माने जिसको हम सामान्यतः लिखते वक्त बटा बोलते हैं, एल बटा ये बोल देते हैं हम, ठीक है ना। तो ये जो अनुपात है कैसे होते हैं, वो निश्चित होते हैं, इनका जो अनुपात होता है वो भी कैसा होता है निश्चित। इनका माने क्रम से, इसी क्रम से बोलना हमको, दो इलेक्ट्रोनों के बीच की दूरी और उनके उस इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इनका अनुपात कैसा होता है, एक स्थिरांक होता है, निश्चित होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। तो ये सब लोग यहां पर अलग से सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक बराबर एल बटा ए, थोड़ा बड़ा रूप में लिख दूं, सेल स्थिरांक बराबर एल बटा ए, इसको संकेत के रूप में लिखते हैं हम एक्स इस चैप्टर में फिलहाल, कहीं पर दूसरे रूप में लिखा होगा तो भी हम समझ सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस चैप्टर में हम अधिकांशतः इसको एक्स के रूप में लिखते हैं। तो एक्स बराबर क्या हो गया, एल बटा ए, ये संकेत के रूप में हो गया, एक्स क्या कहलाएगा यहां पर, सेल स्थिरांक। आगे लिखें इसकी इकाई, परिभाषा हो गया दो इलेक्ट्रोनों के बीच की दूरी सेल में और उनके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो यदि निश्चित होते हैं तो उनका जो अनुपात है माने एल बटा ए का अनुपात भी कैसा होता है, एक स्थिरांक होता है, उसी स्थिरांक को क्या कहते हैं हम, सेल स्थिरांक कहते हैं, जिसे एक्स के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो एक्स बराबर एल बटा ए हो गया। अब इकाई लिखिए, किसकी इकाई लिख रहे हैं हम, एक्स की माने सेल स्थिरांक की, क्या होगा देखो एल माने थोड़ा जल्दी देखिए यहाँ पर दो इलेक्ट्रोनों के बीच की दूरी हम ले रहे हैं सेंटीमीटर में, छोटी सी इकाई, हम कोई इतना बड़ा नहीं बनाए सेल को मीटर में नाप लें कि और अन्य प्रकार की छोटी, एकदम इतना भी छोटा नहीं है कि हम इसको इंच में नाप रहे हैं, छोटा सा सामान्य में हम क्या लिखते हैं इसको, सीएस पद्धति में लिख रहे हैं सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर हो गया सीएम, ए का मतलब क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल में क्या प्रयोग करते हैं, वर्ग, तो उसी की सेंटीमीटर ले रहे हैं, तो हम इसको भी क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। तो क्या बन जाएगा बताओ, सेंटीमीटर का वर्ग क्षेत्रफल है, लंबाई गुणित लंबाई। अब हल करें इसको एक बार, और मैं सीधा बता रहा हूँ, या चलो एक बार उसको हल करके देखें। ये हल करेंगे तो क्या होगा, ये जो भागित में है अभी सेंटीमीटर का घात 2, यदि हल करेंगे तो गुणित हो जाता है वो, तो घात अभी 2 है तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाकर के वो अंश हो जाकर के वो गुणित हो जाएगा। ये सरल तरीका है कि हमको ऐसा समझना चाहिए इसमें क्या होगा, और इसको हल करेंगे तो ये सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर, सेंटीमीटर आधार, इसका आधार घात कितना है बताओ, 1 है, तो 2 ऋण 2 और धन 1 बराबर क्या होगा बताओ, यहाँ पर ऋण 1। यह सरल तरीका हो गया। इसको और सरल तरीके से हम इस प्रकार से बोलते हैं, 1 सेंटीमीटर कैंसिल कर दो, 1 सेंटीमीटर कैंसिल कर दो। तो मैं दूसरा तरीका, ये देखो यहाँ पर इकाई बन गया, इसको मैं डिब्बा में ऐसा बना दे रहा हूँ, घेर दे रहा हूँ, तो हो गया सेंटीमीटर का घात ऋण 1 प्रति सेंटीमीटर। यदि हम SI पद्धति में प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर का घात ऋण 1 प्रति मीटर में भी हम लिख सकते हैं SI पद्धति में। इसी को यहाँ पर मैं दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा था, या हम ऐसा अक्सर लिखते हैं, देखिए यहाँ से इसका मतलब क्या लिखते हैं हम, ऐसा सेंटीमीटर और नीचे में 2 बार सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ऐसा 1 को कैंसिल कर दे, 1 को कैंसिल, 1 बटा सेंटीमीटर बचेगा। इसको आप नोट कर लीजिए, हाँ यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे इसमें सेल स्थिरांक की इकाई के बारे में, इसको मैं डायरेक्ट इस प्रकार से यहाँ पर आया था, सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर कैंसिल कर सकते सीधा, 1 बटा सेंटीमीटर बचा, उसी को हम और ऊपर लाएंगे तो क्या होगा, वो सेंटीमीटर घात ऋण हो जाता है, घात 1 है, वही काम है, हम इसको गणित रूप में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम जनरली इस प्रकार से इसको कैंसिल कराते हैं, काट देते हैं, तो ऐसे ही बना सकते हैं आप समझने के लिए। अब इस प्रकार से हम लिखें तो इस प्रकार से हम इसको बिना, जिसको हम कटाना शब्द बोलते हैं, वैसे न करते हम इस प्रकार से गणितीय सूत्र के माध्यम से भी बना सकते हैं। तो ये याद हो जाना चाहिए हमको क्रमशः, ऐसा सिस्टमेटिक, क्या मैं आप सेल स्थिरांक सूत्र हो गया L/A, उसका इकाई क्या हो गया, सेंटीमीटर घात ऋण 1, यदि M SI पद्धति में लिखें तो मीटर का घात ऋण 1 होगा, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब आगे मैं यहाँ पर आगे बढ़ाता हूँ टॉपिक को, सेल स्थिरांक के बाद एक टॉपिक आएगा विशिष्ट चालकता और सेल स्थिरांक में संबंध, फिर डाल लीजिए, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे हम इसमें। ऋण डालेंगे सर, सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता में संबंध, विशिष्ट चालकता में संबंध, रिलेशन बिटवीन सेल कॉन्स्टेंट एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसको संक्षिप्त में यहाँ पर समझाने के लिए बोल रहे हैं, एक्स और कप्पा में क्या संबंध है हमें देखने जा रहे हैं। तो हम अभी पुनः इसको रिमाइंड करें, कप्पा बराबर हल्के थे हम, ख्याल आया होगा फिर से, क्या लिखे थे पुनः याद रखिए यहाँ पर, 1/ρ, खैर रो बोलता हूँ आर, डायरेक्ट 1/ρ तो होता है, हल करेंगे तो क्या मिला था हमको यहाँ पर, 1/ρ, फिर यहाँ पर आया था L/A। पिछले कालखंड में हमने अध्ययन किया था कप्पा के मान का, इसको हम थोड़ा सा गौर करें, 1/r L/A, हल करोगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, तो बनेंगे इस प्रकार से, यहाँ पर हम x के मान अभी हम हल कर चुके हैं, x बराबर क्या पढ़ रहे थे बताओ, यहाँ पर 1/r तो है ही है, L/A को हम अभी नाम दिए थे, क्या बोले थे, x कहे थे, और यही x क्या था, सेल स्थिरांक। इसको यहाँ पर देखो शब्दों में, यहाँ पर थोड़ा बताएं तो क्या लिखेंगे इसको, या करके लिखा हम इसी को, क्या लिखेंगे इसको, विशिष्ट चालकता बराबर, साथ साथ में लिखते जाइए, विशिष्ट चालकता माने कप्पा बराबर 1/r, इसको और चलिए 1×1, दोनों तरीके से लिखें, 1×1 माने x माने यहाँ पर क्या हो गया, सेल स्थिरांक, सेल
स्थिरांक। आगे देखिए नीचे में यहां पर क्या बताओ, आर, आर को क्या बोलते हैं हम, प्रतिरोध। सामान्य रूप से क्या बोलते हैं हम इसको, प्रतिरोध। इसी को हम और शब्द बोलते हैं सामान्यतः प्रेक्षित प्रतिरोध भी कहते हैं। क्या केवल प्रतिरोध शब्द भी हो उसमें गलत नहीं है, प्रेक्षित प्रतिरोध भी कह सकते हैं इसको, प्रेक्षित प्रतिरोध या केवल प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध नहीं है, उसको हम हल करके लिख चुके हैं इसमें। अब इसी को आगे मैं बढ़ा रहा हूं, आगे देखिए ये हो गया। अब आगे दूसरे तरीके से क्या लिखता हूँ, या लिख रहा हूँ मैं, एक संबंध बन गया। इसको आप लोग ऐसे चाहो तो डिब्बा बनाकर लिख सकते हैं। ये देखिए विशिष्ट चालकता बराबर सूत्र बन गया सेल स्थिरांक बटा प्रेक्षित प्रतिरोध। अब ये आंकी प्रश्न जब हल करेंगे तो हमको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, यदि सेल स्थिरांक मान दिया है, प्रेक्षित प्रतिरोध का मान दिया है, तो हम इस डायरेक्ट सूत्र से हल कर सकते हैं। या मान लीजिए हमको विशिष्ट चालकता का मान ज्ञात करना है और सेल स्थिरांक दिया है, और एक क्या दे सकता है यहाँ पर देखिए, जैसे विशिष्ट चालकता की गणना करने के लिए हम समझ रहे हैं इसमें प्रेक्षित प्रतिरोध। देखो एक बटा आर को क्या लिखते हैं, पहला ही टॉपिक हम जब शब्दावली पढ़े थे परिभाषिक शब्दावली, तब हम इसमें देखे थे एक बटा आर बराबर सीधा लिखे थे सी, क्या लिखे थे सी। तो ये हो गया यहाँ पर कप्पा बराबर, या करके लिख रहा हूं इसी को, आप आगे लिखिए कप्पा बराबर एक बटा आर को क्या लिखेंगे हम यहाँ पर सी। अब पहले से यहाँ पर ये सूत्र में क्या आ चुका है बताओ, यहाँ पर एक्स, एक बटा आर बराबर सी है एक्स। सी को यहाँ पर क्या कहेंगे, शब्दों में लिख रहा हूं मैं, कप्पा बराबर क्या हो गया विशिष्ट चालकता बराबर सी माने विद्युत चालकता, इसी को प्रेक्षी चालकता भी बोले थे हम। इसी को यहाँ पर कोई भी शब्द जोड़ दें, प्रेक्षित चालकता कहें चाहे वैद्युत चालकता, प्रेक्षित चालकता गुणित एक्स का मतलब क्या होता है सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट। यह सूत्र बन गया, इसको भी आप लोग बिल्कुल अच्छे अंडरलाइन कर लीजिए, विशिष्ट चालकता बराबर प्रेक्षित चालकता गुणित सेल स्थिरांक। इसी को कोई दूसरे शब्द में बोलेगा तो विशिष्ट चालकता बराबर सेल स्थिरांक बटा प्रेक्षित प्रतिरोध, दोनों का मतलब एक ही है। अब हमको देखना पड़ेगा कंडीशन, विशिष्ट चालकता ज्ञात करनी है हमें, तो मान लीजिए हमको प्रेक्षी चालकता का मान दिया है और सेल स्थिरांक का मान दिया, तो सीधा सूत्र लिखिए प्रेक्षी चालकता गुणित सेल स्थिरांक। और आगे देखेंगे यदि हमको प्रेक्षित प्रतिरोध दिया है और सेल स्थिरांक दिया है, तब हम सेल स्थिरांक बटा क्या कर देंगे प्रेक्षित प्रतिरोध। दोनों तरीके से हम आंकी प्रश्न हल कर सकते हैं। अब इकाई क्या होता है थोड़ा फिर से रिमाइंड कीजिए, इकाई तो हम पढ़े थे इसमें रो का उल्टा होता है, एक बार पुनः ज्वाइन कर ध्यान समझेंगे, रो बराबर सॉरी कप्पा बराबर एक बटा रो। तो ये इसका परिभाषा क्या था, रो का परिभाषा एक घन सेंटीमीटर बिलियन के प्रतिरोध को क्या कहते हैं हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, उसका उल्टा बोलो एक घन सेंटीमीटर बिलियन के चालकता, परिभाषा हो गया। पर एक कप्पा की परिभाषा बता रहा हूं मैं यहाँ पर, कप्पा माने विशिष्ट चालकता की परिभाषा, क्या हो गया पर एक घन सेंटीमीटर बिलियन, बिलियन माने बिंदु छोटे बिलियन है, तो एक घन सेंटीमीटर बिलियन, मैं बिलियन के जगह में सीधा विद्युत अपघट्य बिलियन लिख रहा हूँ, विद्युत अपघट्य बिलियन की चालकता, क्योंकि विशिष्ट चालकता पढ़ रहे हैं इसलिए हम चालकता प्रयोग कर रहे हैं, विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ रहे थे प्रतिरोधक प्रतिरोध प्रतिरोध शब्द का प्रयोग कर रहे थे हम। ये हो गया पर एक घन सेंटीमीटर बिलियन की विद्युत एक घन सेंटीमीटर विद्युत अपघट्य बिलियन की चालकता को हम क्या कहते हैं विशिष्ट चालकता कहते हैं, मानी मैं संक्षिप्त में लिख रहा हूं कप्पा कहते हैं, ठीक है। अब ये आंकी प्रश्न बनेगा, आइए आंकी प्रश्न हम जल्दी से इसको तैयार करें, प्रश्न आप लोग लिखेंगे, मिटा रहा हूं ये देखो दोनों सूत्र में, अभी मैं इसको रख रहा हूं आपके साथ में, इसी में हम देखेंगे मान कहां पर रख सकते हैं इसको।
एक प्रश्न आप लिखेंगे इसमें, संक्षिप्त में हम प्रश्न लिखा रहा हूं, सब लोग लिखेंगे। क्वेश्चन अंकित प्रश्न है, आर आर माने क्या हो गया यहां पर, प्रतिरोध। मैं विलयन का नाम नहीं लिख रहा हूं, संक्षिप्त में बोल रहा हूं। प्रतिरोध का मान दिया हुआ है हमें 55 ओम, संकेत में लिख रहा हूं मैं, 55 ओम दिया हुआ है। और दूसरा एक दिया हुआ है हमें कप्पा का मान, कप्पा माने क्या हो गया शब्दों में कहेंगे तो विशिष्ट चालकता। ये दिया हुआ है, इसका मान यहां पर है प्रश्न के आधार पर 0.0112। और यहां पर सब जानते हैं पर जो हम कप्पा का इकाई क्या होता है बताइए, तो कप्पा का हम क्या पढ़ते हैं इसमें, ओम का इनवर्स, सेंटीमीटर का इनवर्स। ठीक है, प्रश्न फिलहाल दिया हुआ है, हम कलर से लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सवाल में दिया हुआ है। अब इसको क्या सूत्र प्रयोग कर हमको क्या निकालना है, तो आगे यहां पर सवाल में दिया हुआ है तो सेल स्थिरांक की गणना कीजिए। सेल स्थिरांक मैं समझने के नाम पर लिख रहा हूं एक्स, हम जो पढ़ रहे थे सेल स्थिरांक बराबर क्या, यानी गणना करना है हमें, हल क्या होगा, सूत्र लिखेंगे। पहले हम सब समझ के इसमें क्या क्या शब्द दिए उसको देखें, हम पढ़ चुके हैं हम इसमें विशिष्ट चालकता, जो हम सवाल समझे उसको देखें हम, विशिष्ट चालकता बराबर क्या होता है, तो हम इसको प्रतिरोध कहा प्रेक्षित प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध नहीं है, तो एक बटार प्रतिरोध है, प्रेक्षित प्रतिरोध है, एक बटार हो गया गुणित सेल स्थिरांक, तो इसको हम क्या लिखते हैं बताओ, एल बटा एक, अभिशिष्ट शब्दों में हम यहाँ पर चूंकि हमको एल बटा इस मतलब नहीं है, हमको सीधा नाम दिया है इसमें सेल स्थिरांक, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं सेल स्थिरांक के लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं, संकेत के लिए एक्स प्रयोग करते हैं इसमें। अब हल करेंगे तो क्या होगा, सीधा एक्स बटा क्या हो गया यहाँ पर आर, ये सीधा सा मान हो गया, इसे मान को रखें, सेल स्थिरांक का मान क्या होता है यहाँ पर दिया हुआ, सॉरी दिया हुआ है एक मिनट, एक कप्पा है, पहले सूत्र मेन सूत्र देखें इसमें ये हो गया। अब हमको निकालना क्या है यहाँ पर, एक्स निकालना है, दिखा हुआ सवाल, तो क्या होगा आगे, एक्स माइनस सेल स्थिरांक बराबर पखांता करो आर को, जब पखांता करेंगे क्योंकि हमको एक्स का मान चाहिए, तो पहले से इधर क्या है बताओ, कप्पा है लेफ्ट हैंड साइड, पहले से है ये आर है, अभी हर में है, पख्यांतर क्या होगा ये अंश में चला जाएगा, माने गुणित हो जाएगा, भागित का एक में क्या हो जाएगा ये गुणित, शब्दों में कहेंगे तो क्या होगा, विशिष्ट चालकता गुणित प्रेक्षित प्रतिरोध, ये हो गया। इसको शब्दों में कोई हम देंगे इसमें, अब लिखिए मान यहाँ पर, कप्पा का मान कितना है यहाँ पर 0.0112, बाकी इकाई भी मैं यहाँ पर ख्याल करके यहाँ पर लिख रहा हूँ, सेंटीमीटर सॉरी ओम का घात ऋण एक या प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। देखो आगे गुणित है, आर का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है यहाँ पर सवाल में हमें 55 ओम दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो आंकिक मान है इसको गुणा करेंगे, गुणा हो रहा है 55 × 0.0112, इसको गुणा करेंगे उसका कुछ न कुछ मान आएगा, आगे उसके मान को बाद में देखेंगे, पर इसको देखिए इकाई क्या लिखेंगे आखिरी में, हम जानते हैं एक्स की इकाई क्या होती है, तो यदि बिना हल के बोलेंगे हम पढ़ चुके हैं प्रति सेंटीमीटर, क्या होता है प्रति सेंटीमीटर, मीटर में होता तो प्रति मीटर डायरेक्ट है, देखो आप हमको पूरी तरह से याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, और नहीं समझ आता तो यहाँ से हम अलग से हल कर सकते हैं, सेंटीमीटर घात ऋण एक और ये सॉरी ओम का घात ऋण एक और ये ओम है घात एक है, ये गुणा हो रहा है तो क्या हो जाएगा बता, यहाँ पर ओम का घात ऋण एक गुणित ओम का घात एक बराबर ओम ऋण एक और धन एक बराबर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा वो। ठीक है, अब आंकिक मान जो भी होगा हम इसको क्या करेंगे हल करेंगे, जैसे यहाँ पर इस सवाल में जो मान आएगा उसके आधार पर हम लिख रहे हैं 0. अच्छा गुणा करना है, गुणा करके उत्तर लिखना है 0.60.616 मान है आंकिक मान इसका 0.616, अब क्या होगा आखिरी में सेंटीमीटर का घात ऋण मान इकाई के रूप में, केवल हमको अंक नहीं लिखना, यदि हम ऐसा लिख रहे हैं केवल 0.616 तो उत्तर गलत है, उत्तर गलत माने पूरा नहीं है, वो है क्या चीज़ प्रति सेंटीमीटर है, ये हो गया आपका उत्तर।
ये समझने के यहाँ पर इस प्रकार उत्तर लिख रहे हैं हम जो हल कर रहे थे। अब इसी में से हम उल्टा भी सवाल समझ सकते हैं। मान लो हमको ये दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट सीधा सवाल कर रहा हूँ, अब देखिए सवाल को देख कर बताना मेरे को जल्दी से। यदि प्रतिरोध का मान 55 ओम, क्या किसका प्रतिरोध है? कोई बिलियन होगा, मैं अभी नाम को नहीं ले रहा हूँ, मैं केवल इस प्रकार से केवल मेरे को कैसे हल करना है इसके बारे में बताना है। प्रतिरोध का मान दिया हुआ है 55 ओम और सेल स्थिरांक का मान 0.616 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर दिया हुआ है प्रति सेंटीमीटर, तो बताइए उसकी विशिष्ट चालकता कितनी होगी, उस बिलियन विद्युत भट्टे बिलियन की विशिष्ट चालकता। तो क्या करेंगे हमारे साथ सवाल, तो हमको विशिष्ट चालकता ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें विशिष्ट चालकता हमारा अभी दिया था, अभी नहीं दिया, तो सवाल क्या होगा, फॉर्मूला आ जाएगा कप्पा बराबर अर्थात विशिष्ट चालकता बराबर सेल स्थिरांक बटा प्रतिरोध। मान हमको उदाहरण के लिए बता रहा था समझने के लिए, ये मान पहले से दे दिया हमको, तो यहाँ पर रख लेते हैं 0.616 भागी आर का मान सवाल में बोल रहा था मैं कितना 55, तो क्या करता मैं 55 हल करता, उत्तर आता जैसे उदाहरण के लिए यही उत्तर आएगा फिलहाल 0.0112। और क्या होगा बताए, यहाँ पर कप्पा की इकाई अच्छी तरह से याद होना चाहिए, रो का उल्टा, रो में क्या होता है ओम ओम सेंटीमीटर, उसको उल्टा कर देंगे प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर, तो मौखिक रूप से ऐसे इसको हल भी करेंगे तो ही आएगा इसमें, तो ये मौखिक रूप से आधा याद होना चाहिए इसमें। ये हो गया आंकी प्रश्न कैसे हल करें इसके बारे हम देख रहे थे। इसमें एक सवाल और आप लोग लिखिए, जिसमें हम लोग यहाँ पर दूसरा एक मान ज्ञात करेंगे। इसमें इसी सवाल को लिखिए, अगला सवाल लिख लीजिए। सवाल लिख लीजिए जल्दी से, सेल स्थिरांक का मान यहाँ पर 0.616 सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर और बिलियन विद्युत भट्ट बिलियन का प्रतिरोध कितना है 55 ओम है, तो क्या ज्ञात कीजिए विशिष्ट चालकता का मान ज्ञात कीजिए। क्यों संक्षिप्त में आप सवाल को लिख लीजिए। मेरे यहाँ पर बताने का या हमारे यहाँ पर अभ्यास करने का एक ही मतलब है कि हम इस प्रकार के और सवाल आएंगे तो कैसे हल करेंगे, यही इसका मुख्य मकसद है अंतिम प्रश्न यहाँ पर बताने का। इससे क्या होगा हमारा जो सूत्र है वो भी याद हो जाएगा, या तो भूल जाएंगे कंफ्यूज जाएंगे। तो क्या सूत्र है यहाँ पर, कप्पा बराबर सीधा मान, ये सूत्र हो गया 1/r गुणित x सेल स्थिरांक संबंधित है, x बराबर दिया हुआ है कितना दिया हुआ है सवाल में यहाँ पर 0.616 और r का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है 55। इस प्रकार से अभी जो सवाल हल किए थे 0.0112, कप्पा का मान निकल रहे हैं हम अभी, क्योंकि मैं इसको हम लोग अभी हल कर रहे हैं, अब हमको पता है कि हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं, अर्थात भागित करके हमको मैंने हल करके लिखना है। क्या होगा इकाई प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर, अब कैसे जानेंगे यहाँ पर नहीं समझ आया तो हम इसको भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो आर का मान है यहाँ पर ऊपर में है, ये आर का मान सर नीचे में है, ये ओम है ऐसा करके, और ये सेंटीमीटर का घात क्या रहता है ऋण है। देखिए यहाँ पर किसी बन जाएगा आपको, ओम ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा घात ऋण हो जाएगा, सेंटीमीटर का घात ऋण पहले से मौजूद है, उत्तर हो गया। इस प्रकार से हम समझ सकते, कन्फ्यूजन होना चाहिए या गलत नहीं लिखना है। ये हो गया यहाँ पर हमारा इसमें जो दूसरा टॉपिक था, टॉपिक क्या था हमारा इसमें मुख्य से सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता के बीच में संबंध। इसी में हम यदि L का मान निकालना होगा, A और L ध्यान समझेंगे, इसमें आगे सवाल चला जाएगा L या A का मान दिया है और R का मान दिया है, मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, L का मान दिया हुआ है, R का मान दिया हुआ है, दिया हुआ है वाला बोल रहा हूँ मैं, दिया है, और इसमें हमको A का मान ज्ञात करना है, मनुष्य इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है, इंसान निकालना है, और एक दूसरा दे दिया हमको यहाँ पर क्या दिया है और आगे, तो दिया हुआ है यहाँ पर कप्पा का मान दिया। देखो यहाँ पर मैं समझाने की संक्षिप्त में बोल रहा हूँ, इस प्रकार से एल का मान दिया हुआ है, कप्पा माने विशेष चालकता का मान दिया हुआ है, और आर माने प्रतिरोध पेशी प्रतिरोध का मान भी दिया हुआ है। हमको सवाल पूछा जाता है मान लीजिए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए उस इलेक्ट्रोड का, तो सीधा सीधा फार्मूला देखो, कप्पा माने फार्मूला हो गया यहाँ पर 1/r प्रेक्षी प्रतिरोध संबंध हो गया,
और x हम लिखते हैं उसको बदल देंगे हम, क्या लिखते हैं l बटा a हो जाएगा, इसके जगह में हो जाएगा सूत्र। एक बार आप जल्दी से इसको लिख लीजिए तो सूत्र को, यहाँ पर मेरा बताने का एक ही मकसद यहाँ पर कि किस प्रकार से हम, तो यहाँ पर मुख्य सूत्र था एक बट्टा आर गुणित एक्स का मान क्या होता है एल बट्टा ए होता है, ये दिया हुआ है कप्पा का मान, हमको क्या निकालना ज्ञात करना है अभी यहाँ पर के का मान, सॉरी के बोलता हूँ ए का मान, तो ए बराबर क्या होगा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इलेक्ट्रोड का है, ये बराबर बाकी पंखा लगा यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है कप्पा, ठीक ए भागित में आर है इधर आपका क्षेत्रफल क्या होगा बताओ गुणित आर हो जाएगा, एल जो ऊपर में बांस में है इधर आकर क्या हो जाएगा बताओ हर में आ जाएगा, हर में मान में सीधा नीचे कर दें हम इसको तो नीचे में यहाँ पर क्या हो जाएगा ये पानी हर में, सूत्र हो गया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बराबर विशिष्ट चालकता गुणित प्रेक्षित प्रतिरोध बटा या भागित क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रोड की बीच की दूरी है। इस सूत्र की सहायता से हम उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की गणना भी कर सकते हैं, ये मैं इसीलिए आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि हमको ऐसा सामान्य प्रश्न समझ आए इसमें। अब आगे हमको यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी से यहाँ पर एक नज़र डालें इसमें, एक दो चालकता का नाम और दिख रहा है हमें तुल्यांकी चालकता और मूलर चालकता, हम अभी जो ब्लैक बोर्ड में लिखे हैं तुल्यांकी चालकता और मूलर चालकता, इसके इसको हम इस शब्द को परीक्षण में पहले से ये तुल्यांकी और मूलर के बारे में दो लाइन वो समझने का प्रयास करें। तुल्यांक भी बोलते हैं इसी को तुल्यांकी, यहां पर जो शब्द बोला है तुल्यांक चालकता या तुल्यांकी चालकता दोनों का मतलब एक ही है, अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसके संकेत लिखते हैं ऐसा लेमडा, ध्यान समझेंगे इसको हम क्या पढ़ेंगे इसको लेमडा या लेमडा भी बोलते हैं, ऐसा लिखेंगे इसको हमको लेमडा पढ़ना है। और यहां पर देखिए तुल्यांक शब्द के लिए यहां पर EQ स्टार्ट हो रहा है इक्विवेलेंट EQ से, इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं ऐसा लिखते हैं स्मॉल ई स्मॉल क्यू लिखते हैं, ये संकेत हो गया पढ़ेंगे ऐसा पढ़ेंगे तो लेमडा EQ बोल देंगे या इसको सीधा सीधा बोलेंगे तो तुल्यांकी चालकता कहेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो शब्द बोला है तुल्यांक शब्द, इसका मतलब सामान्य शब्द हम देखने का प्रयास करें किसी भी यौगिक में, तुल्यांक में एक शब्द हम लोग यहाँ पर रसायन में मुख्यतः एक शब्द प्रयोग करते हैं तुल्यांकी भार का इक्विवेलेंट वेट, सामान्य शब्द में समझने का प्रयास करें तो ये अम्ल के लिए बोल रहा हूँ संक्षिप्त में, अम्ल का है अम्ल का तुल्यांकी भार, आप लोग इसको लिख लीजिए उसके बाद हमको आगे और समझ आएगा इसमें, तुल्यांक अम्ल का तुल्यांकी भार बराबर है उस अम्ल का अणुभार बटा अम्ल की क्षारकता, अम्ल की क्षारकता इसी को संक्षेप में बोलते हैं विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु की संख्या, ये अम्ल के लिए बोल रहा हूं मैं अभी फिलहाल, क्षार के लिए होगा तो शब्द बदल जाएगा इसको लिख ले होंगे, जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए बोल रहा हूं समझने के लिए H2O4 का निकालना है देखो तुल्यांकी भार क्या होगा, उसका अणुभार है 98 में H2O4 की बात कर रहा हूं उसमें कितने हाइड्रोजन हैं इसको विस्थापन कर सकते हैं इसमें 2, इसलिए यहां पर भागित कितना हो गया 2, तो ये हो गया यहां पर 98/2 बराबर कितना हो जाएगा 49, ये हो गया H2O4 का तुल्यांकी भार। ये क्षार को हम थोड़ा समझने का प्रयास करें जल्दी से, जल्दी से आप लोग लिख लीजिए क्षार का, तो क्षार में कितना हो जाएगा अम्ल के जगह में क्षार, क्षार की क्षारकता के जगह में क्या शब्द हो जाएगा यहाँ पर अम्लीयता, अम्लीयता तो क्या हो जाएगा फिर इसमें जैसे उदाहरण के लिए NaOH का NaOH इसका अणुभार निकालोगे, इसको मिटा रहा हूँ अणुभार होता है इसका 40,
कितने टॉर्च है जिसको हम निकाल सकते हैं, एक ओएच क्षार वाला है तो ओएच है, कितना टॉर्च है केवल यहाँ पर एक जिसको निकाल सकते हैं, तो 40/1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर एक 40, ये हो गया NaOH का तुल्यांक की भार। ऐसा ही आप क्षार का निकालेंगे, अम्ल में कितने हाइड्रोजन निकाल सकते हैं और क्षार में कितने OH निकाल सकते हैं। ऐसे दूसरे आक्सीकारक अपचायक उसके लिए त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक के लिए क्या होता है ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे आक्सीकारक होते हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यहाँ पर एक लाइन इसको मैं लिख दूँ, आगे लिख लीजिए आप लोग इसमें आक्सीकारक का, आक्सीकारक पदार्थ का तुल्यांकी भार बराबर सूत्र है ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अणुभार बटा ग्रहण की गई इलेक्ट्रॉन में संचित में लिख रहा हूं या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया आक्सीकारक ने दूसरे पदार्थ से, कोई हो सकता है सर, ये तुल्यांकी भार पहले समझ लें उसके बाद हम परिभाषा अलग से करेंगे तुल्यांकी भार का, क्योंकि यहाँ पर विशेष रूप से उसके बारे में उल्लेख किया है। इसी प्रकार से मैं आगे यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिख लीजिए, आक्सीकारक का उल्टा होता है अपचायक, माने गुण में ये क्या होता है जो ग्रहण करता था उसके लिए हमें क्या करेगा वो त्यागेगा, तो सेम ऐसा अणुभार बटा त्यागे गई या त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सीधा सरल में त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ऐसा बना सकते हैं। आज हम इस कालखंड में मुख्य से सेल स्थिरांक, विशिष्ट चालकता, उसके मध्यम संबंध, उच्चांकी प्रश्न भी देख रहे थे, इसके बारे में हम अध्ययन के आगे हम कालखंड में इसी तुल्यांकी चालकता और एक शब्द है इसमें मूल चालकता, इस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।